दो चेयर लगा हुआ है हम लोग को बैठने के लिए, लेकिन यहाँ बैठ रहा है लंगूर। वैसे अनुरोध खा रहा है भाई, टेस्ट कैसा है ये बता। टेस्ट बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट है। सो गाइस, तो पर्पल ढाबा रेस्टोरेंट के ऊपर हम आ गए हैं और ये पड़ता है आपको लक्ष्मण झूला के बगल में। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, देखिए देखिए सामने लक्ष्मण झूला दिख रहा है, और ये रहा अपना ढाबा। आप यहाँ भी कर सकते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, और नीचे भी कर सकते हैं। तो हम ऊपर आ गए हैं रूफ टॉप पे, और रूफ टॉप का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जो भी खाना है खा सकते हैं। मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये पर्पल ढाबा, ये रहा पर्पल ढाबा, इसका मेन्यू ये रहा। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वैसे हमने ऑर्डर किया है सेमी थाली, ठीक है, ये 99 का है। दो थाली ऑर्डर किए हैं, एक्स्ट्रा दो रोटी ऑर्डर किए हैं। सामने में ऐसा व्यू हो, सामने लक्ष्मण झूला, पीछे पहाड़ी, और रिवर राफ्टिंग होते हुए आप देख सकते हैं, और साथ में लंच और डिनर यहाँ पे करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वैसे तो ये दिन का नज़ारा है, रात में आप समझिए जब लक्ष्मण झूला पे लाइट जलेगा तो यहाँ से व्यू कैसा होगा। हाँ जी, तो अपनी थाली आ चुकी है 99 की। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 99 की थाली में आपको क्या क्या मिलेगा। वैसे अनुरोध खा रहा है भाई, टेस्ट कैसा है ये बता। टेस्ट बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट है। चावल दाल बहुत स्वाद है, और सब्जी भी दिखी, सब बढ़िया सब्जी है, 99 के हिसाब से बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ थाली में क्या क्या मिला है। ये आलू गोभी की सूखी सब्जी, आलू मटर की सब्जी, ये तड़का राइस हो गया, सलाद हो गया, और ये रहा अचार, और दो रोटी। ये 99 की है, एक्स्ट्रा हमने चार रोटी मंगाया है, 10 का एक, मतलब ये 40 की चार रोटी है। और रेस्टोरेंट का नाम हमने आपको बता ही दिया, पर्पल ढाबा लक्ष्मण झूला के बगल में। सो गाइस, तो ये रहा अपना होटल, और ये आपको पड़ेगा लक्ष्मण झूला से हार्डली 300 मीटर के दूरी पे। तो चलिए चलते हैं अंदर। देखने में आपको बाहर ऐसा लग रहा होगा गली में है, लेकिन अंदर भाई लाजवाब है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से मैं टेरिस व्यू भी आपको दिखाऊँगा। तो गाइस, तो आप देख सकते हैं ये है रिसेप्शन एरिया होटल का। तो अब हम लोग चलेंगे ऊपर। आ जा भाई, थर्ड फ्लोर। तुमको होटल कैसा लगा ये बता। अरे भाई A1 है भाई, मतलब क्या मेरे मतलब ले? मेरे लैंग्वेज में A1 ना। आपके लैंग्वेज। चलो ठीक है, तो ये रहा अपना रूम 303। खोल, क्या कर रहा है तुम? लाइट जला। सो गाइस, तो ये रहा अपना रूम, और रूम देखिए कितना खूबसूरत है। और इधर देखिए आपको टीवी, और यहाँ टेबल दिया गया है, चेयर दिया गया है, यहाँ आप वर्क कर सकते हैं कुछ भी। वार्डरोब, लगेज हमने वहाँ रखा है। ये है वॉशरूम। वॉशरूम जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, ठीक है। रूम आपने देख लिया, तो भाई ये है बाहर का जंगल व्यू। रूम के बाहर इस तरह दिखता है, देखिए दिखा। अरे जंगल व्यू हो, यहाँ कुछ आपको जानवर वगैरह नहीं दिखे तो बेकार है ना। देखिए सामने मॉन्की साहब बहुत सारे हैं, पेड़ पे लटके हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये रूम मुझे कितने का पड़ा। ये पड़ा मुझे 2200 का, और 2200 में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, वो सारा मैं आपको दिखाऊँगा। ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और चलिए अब चलते हैं, आपको वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम तो मिस हो गया ना, तो दिखाना तो बनता है। तो ये है वॉशरूम, टॉवेल है, देख लीजिए वॉशरूम, वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। और यहाँ पे एक बंदा छुपा हुआ है, उसका नाम मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल। अब देखिए सामने मिरर, मिरर में शायद आपको दिख रहा होगा। अनुरोध है यहाँ छुपा हुआ, वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो ये अंदर में छुप के बता। इतना बढ़िया वॉशरूम है यार, तो दिखाओ। अच्छा अच्छा चलो, वॉशरूम तो बहुत बढ़िया है, देखिए बहुत बढ़िया है। रूम भी बढ़िया है। रूम कैसा लगा तुमको? A1 रूम है भाई आपकी भाषा में। तो व्यू कैसा है? व्यू तो बहुत बढ़िया व्यू है बाहर का। देखो गंगा व्यू इसलिए नहीं ले क्योंकि ऊपर में जाने था। हाँ। ये बढ़िया है, शाम को यहाँ पे बढ़िया सनसेट देखने को मिलेगा, बढ़िया। चलो ठीक है। कहाँ? ये अपना रूम है, रूम के बाहर बैठा हुआ है, कितने प्यार से बैठा हुआ। बाबू क्या हुआ? ओए दिखो 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 दिखो, क्या हुआ बाबू? अभी मेरे पास कुछ, अरे वाह
ये भी आ गया, दो दो भाई। तो यही है जंगल व्यू का मजा। आप देखिए दो चेयर लगा हुआ है हम लोग को बैठने के लिए, लेकिन यहाँ बैठ रहा है लंगूर। क्या कुछ लेना है क्या? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है भाई, सुबह में आएंगे तो बनाना सबको खिलाएंगे, ठीक है? अभी कुछ नहीं है, वो कह रहे तो हमारे जंगल। चले जा भाई चले जा, वैसे नहीं जाएगा भाई, ये पर्दा को पहले लगाना होगा तभी जाएगा। नहीं तो वो सोच रहा है कि हमें कुछ मिलेगा खाने को, लेकिन अभी अपने पास तो कुछ है नहीं, समझा? तुम फोटो क्लिक करो इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी। चलो भाई बाय, मिलते हैं सुबह में, ठीक है? सो अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं होटल के लॉन्ज एरिया में, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल रहा है। यहाँ आप टाइम पास करने के लिए लूडो, चेस, कैरम खेल सकते हैं। और यहाँ पे सुबह में 7 बजे कम्प्लीमेंट्री योगा क्लास होता है, अगर आप चाहे तो पार्टिसिपेट ले सकते हैं। मैट देखिए वहाँ रखा गया है, योगा क्लास सुबह 7 बजे। ये बैठने के लिए है, वहाँ बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, आप इंजॉय कर सकते हैं मूवी मैच जो भी हो। और सामने आप देख रहे हैं, जैसे आप बाहर निकलिएगा लॉन से बाहर, तो यहाँ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये एरिया उनके लिए है, जिन्हें हुक्का पीना है स्मोकिंग करना है उनके लिए है। और होटल के बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लॉन्ज एरिया, रिसेप्शन उधर है। ये सारा चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2200 जो चार्ज लगा है हम लोग का एक दिन का स्टे का, उसी में ये सारा चीज़ इंक्लूड है। ये प्ले का सेक्शन हो, चेस, कैरम, लूडो, चाहे वो आप योगा क्लास हो कम्प्लीमेंट्री, और हाई टी वो हो जो कि टेरिस पे होगा शाम 5 बजे। तो चलिए मैं चलता हूँ टेरिस पे और वहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं टेरिस पे, और टेरिस पर से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है, सारा पैसा इसी चीज़ का है, 2200 रुपये जो दिए हैं इसी चीज़ का है। टेरिस पे आप भी आ सकते हैं, और शाम 5 बजे हाई टी मतलब कि कम्प्लीमेंट्री टी आपको यहीं पे सर्व किया जाएगा, और साथ ही शाम 7 बजे म्यूज़िक प्रोग्राम यहीं पे होगा। तो चलिए पहले आप नज़ारा देख लीजिए जिसका हमने 2200 रुपया पे किया है। तो ये है नज़ारा आपके सामने, टेरिस पे से इस तरह दिखता है, सामने गंगा रिवर, रिवर राफ्टिंग हो रहा है, दिख रहा होगा रिवर राफ्टिंग हो रहा है, वो लक्ष्मण झूला देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से सामने सनसेट का व्यू लाजवाब, और नीचे आप देखिए, हमने आपको दिखाया था अभी कुछ देर पहले स्मोकिंग एरिया, और इधर जंगल व्यू 2200 का पड़ा जंगल व्यू, अपना रूम उस साइड से है, और इधर से अगर लेते तो पड़ता 2500 का। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं केवट घाट पे, और सामने लक्ष्मण झूला, यहाँ कुछ भाई लोग अपना फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, उधर रिवर राफ्टिंग हो रहा है ये देखिए, और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ अपना नाम लिख रही है। तो ये नज़ारा है भाई केवट घाट का। थ्री सिक्सटी डिग्री। सो गाइस, तो घाट के आसपास का जो भी फ़ोटो होगा, ऋषिकेश का जो भी फ़ोटो होगा वो आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे, यूज़र आईडी आपको दिख रहा होगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं और आपको इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग आ गए हैं लक्ष्मण झूला के पास, और अभी इधर से एंट्री करने वाले हैं, और आप पैदल ही जा सकते हैं, बाइक साइकिल अलाउ नहीं है। आइसक्रीम खा रहा लंगूर। फिर पहले हम लोग थे वहाँ पे, और अभी हम लोग आ गए हैं बीच लक्ष्मण झूला पे। यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक होगा, बार बार आने का मौका नहीं मिलता है तो फ़ोटो तो क्लिक करना बनता है ना। और भाई अपना अनुरोध ऋषिकेश का ही, भाई कितना बार आया तुम अभी तक? कितनी बार? बहुत बार आ चुके हैं, सुबह रात में हर बार। काउंट करके बताओ हम कहाँ नहीं है यहाँ, तो कितनी बार आ गए? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब कई बार आ चुका है, कई बार, रात के 12 बजे भी, शाम को भी, हर हर बार आए। मैं तो पहली बार आया हूँ भाई, सही में भाई लक्ष्मण झूला
झूलता है, इसलिए नाम इसका झूला रखा गया है। तो वैसे स्कूटी और बाइक वगैरह हो, जो भी हो, साइकिल वगैरह, इस पर अलाव नहीं है, क्योंकि हाँ ये अलाव है, ये आ सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है। ये और लंगूर, हाँ लंगूर भी है। क्या चीज़ है? आटे की गोली है मछलियों खिलाने का। मछली खिलाने का देखिए, खिलाइए मछलियों खिलाने का भाई जी। मिल जाएगा भाई यहाँ से आपको भाई 10 का ये मिला मछली को खिलाने के लिए, आटा है और ऊपर से तो मछली दिख रहा है हमको शायद, लेकिन आपको नहीं दिखेगा गोप्रो में, हमको तो दिख रहा है भाई, बड़ा बड़ा मछली है रेड कलर का। चलिए खिलाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे भाई। ये मिनी कैमरा होता है? नहीं, गोप्रो। गोप्रो जी। बहुत है नीचे, बहुत है भाई। आटे की गोली मछलियों के लिए 10-10 रुपए की, खिलाओ। वो देखो भाई, वो देखिए कॉर्नर्स है भाई, वो देखो। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मण झूला की साइड, अपोजिट साइड, इधर मार्केट साइड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो नींबू पानी मिल रहा है, मोमोज 50 का फुल प्लेट, 30 का हाफ प्लेट, और ये अपना देसी टावनी मुँह भूजा वगैरह, और यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है ये, ओ स्टैम्प है, स्टैम्प लगवाना है स्टैम्प? अरे नहीं भाई, हाँ लगवा ले, कहाँ कहाँ, हाँ कहाँ लगाते हैं? कहीं भी लगा लो, ऐसे आपके लिए त्रिशूल आएगा, बोलना था। ओ यहाँ पे ये टेम्प्रोरी है ना, ये डिजाइन होते हैं ना घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने का है वो? ये 50 का किट आता है। ओ ये मिट जाएगा, वन डे चलता है, वन डे चलता है। तो अभी आ गया कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट और टी। तो अनिरुद्ध टी पिया कैसा है बता? बढ़िया, स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। तो जंगल व्यू का आनंद लेते हुए टी पियो और साथ में सनसेट व्यू। चलो जी, अगर आज गंगा आरती छूटा ना, इधर देखे गंगा आरती छूटा ना, हाँ। इसका जिम्मेवार तुम होगा भाई। कोई बात नहीं भाई, यही छूटेगा। सो गाइस, तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना, ये है जानकी सेतु ब्रिज, और यहाँ इधर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट, और टाइम हो गया है 6:15। अगर लेट हुआ, गंगा आरती मिस हुआ, तो किसका जिम्मेवार? हम नहीं, ये बंदा होगा। आपको दिख रहा होगा शक्ल या नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, लेकिन ये बंदा हो अनिरुद्ध। तो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं त्रिवेणी घाट, मार्केट है ये देखिए, और यहाँ से बस घाट सामने है, मार्केट आप पीछे देख सकते हैं, और 5 मिनट में बस पहुँचे हम लोग यहाँ स्कूटी से। अगर टोटो से आते, ऑटो टोटो या जो भी बोलिए, तो पीछे ही रह जाते। तो स्कूटी हमने यहाँ पार्क कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, और अब हम लोग चल रहे हैं अंदर, और आरती स्टार्ट हो चुका है। हवाई का आरती स्टार्ट हो चुका है, इसका जिम्मेवार है ये। अरे शुरू क्या, अभी हुआ है शुरू, अभी शुरू हुआ। Oh,
गंगा जी के आरती सात दाम के नौ श्री राम से गंगा मैया का आरती सात मास्क पहले उतार लेते हैं। सो गाइस, तो गंगा आरती के साथ इस ब्लॉग को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हाँ इसी तरह ब्लॉग एंजॉय करते रहिए। और इसके आगे का जो भी सीन होगा वो मैं अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। जैसे रात का डिनर हो, फिर यहाँ से दिल्ली रिटर्न जाना है, कैसे जाना है, वो ट्रेन जर्नी हो, वो अगले ब्लॉग में आपको दिखेगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। Thank you.